हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है 12 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब साल में कितने महीने होते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 मंथ्स इन अ ईयर, इसमें है मंथ्स ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कितने मंथ्स है ईयर में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पहले पढ़ना चालू करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, पहला मंथ होता है जनवरी, और जनवरी में कितने डेज होते हैं बच्चों। जनवरी में 31 डेज होते हैं। उसके बाद है फरवरी, फरवरी में कितने होते हैं बच्चों। फरवरी में 28 डेज होते हैं, कभी कभी 29 डेज होते हैं। 29 डेज कब होते हैं, जब लीप ईयर होता है, जब एवरी 4 इयर्स के बाद बच्चों लीप ईयर आता है, और वो जब लीप ईयर होता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं। उसके बाद है मार्च, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। उसके बाद है बच्चों अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। उसके बाद है मई, मई में कितने होते हैं, मई में होते हैं 31 डेज। उसके बाद है बच्चों जून, जून में कितने डेज होते हैं, जून में होते हैं 30 डेज। उसके बाद है जुलाई, जुलाई में कितने डेज होते हैं बच्चों, जुलाई में 31 डेज होते हैं। उसके बाद है बच्चों अगस्त, अगस्त में कितने डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं। उसके बाद है सितंबर, सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होते हैं, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं बच्चों। उसके बाद है नवंबर, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज इन नवंबर। उसके बाद है दिसंबर, दिसंबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, देयर आर 31 डेज इन दिसंबर। तो बच्चों हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों।